भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है, उनको बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं, ना शो होगा, ना डिस्कशन होगा, ना एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में। खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग ने हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है, और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकायक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? ये आपने नया सदन बनाया है, आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा। टेस्ट तो आपका भी है।